तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और देखो, आज शानदार टीन मिला था, कैंसिल हुआ, मिला था, कैंसिल हुआ, फिर मिला। मतलब कि ये हमारे दिन का तीसरा टीन है और फाइनली पैसेंजर, मतलब 01414 जाना है हमको कहाँ, निजामबाद। तो मैंने पहले बोला कि यार पैसेंजर देख लो, कोई और है तो दे दो, तो नहीं भाई तुम ही हो और जाना पड़ेगा। तो हाँ, 16:20 मतलब 4:20 पे जाना है हमको, और अभी हम कच्छे पे घूम रहे हैं। और इससे ज्यादा ऊपर मत देखना, ये यहाँ पे यही प्रॉब्लम है साला, गाड़ी वाड़ी हमेशा आते जाते रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं, ब्लॉग अच्छे से मैंने कभी शूट नहीं किया। तो हाँ, इस गाड़ी का प्लानिंग पहले था और अभी का पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं गया हूँ। तो पहले, हाँ ये कर लो, पहले तो पहले था कि जाना होता था निजामबाद, और वहां पे कितना देर, 24 घंटे रहना होता था। तो अभी भी हो सकता है कि वही हो, 24 घंटे रहना हो, तो देखेंगे कि क्या प्लान है। हाँ, यहाँ से अभी 16 बजे जाएंगे, रात के 11 बजे पहुंचेंगे, खाना वाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है। तो चलो फटाक से रेडी होते हैं। और ये देखो, तो मेरे रूम का ये हाल है अभी, और अभी 10-15 दिन में घर जाना है, तो देखेंगे कि क्या। उधर से आने के बाद मैं रूम सेटल करूंगा, अभी तक खान नहीं किया हूं। तो ठीक है, रेडी होके मिलते हैं आराम से। तो देखो फाइनली रेडी हो चुके हैं, और मैं लापरवाह इतना हूं कि मेरे लापरवाही से मैं खुद परेशान हो गया हूं, कि इसका मैं कैप आधे घंटे से ढूंढ रहा हूं। मतलब मैं रेडी हो गया बहुत पहले, और अभी मुझे कैप नहीं मिल रहा था उसका, और फिर ये मैंने अपना कैप ले लिया, क्योंकि भाई ने कमेंट किया था, जीत भाई ने कैप लेके चलिए, कैप तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब सीधा पहुंचते हैं निजामबाद, और वहीं पे मिलेंगे रनिंग रूम में, क्योंकि वहां 24 घंटे बिताने हैं, समझ रहे हो, 24 घंटे बहुत होता है। तो ठीक है, 24 घंटे वहां बिताएंगे, मतलब 11 बजे पहुंचते हैं, और उधर से रात में 11 बजे ही गाड़ी लेके आना है। स्माइल तो तगड़ा है यार तुम्हारा। तुम मेरी क्यों निकाल रहे थे? तुम ही बोलते हो ना ब्लॉग में लिया करो, लग गया बेट। तो देखो फाइनली आ चुके हैं रनिंग रूम, और यार 11 बजे गाड़ी पहुंचने वाला, पहुंच रहा है 12:30। तो अभी सर हमारे खाना खाए गए गए हुए हैं, मैं नहीं खाया, 11-12 बजे रात को कौन ही खाएगा, ऊपर से भूख भी नहीं है। बस अब पैर हाथ धो के फ्रेश होके बस सो जाऊंगा, और मिलेंगे सुबह में। और सुबह में कुछ काम भी है, मैं जानबूझ के निजामबाद आया हूँ, वो काम है एक मुझे यहाँ पे, तो सुबह मिलते हैं। तो भाई साहब अभी बज रहा है 11, और अभी जस्ट जगे हैं हम, पावर ऑफ सुसुफ, सुबह सुबह जग के जोर से लगाओ करने का मजा ही अलग होता है। तो हाँ, अभी जग के बस थोड़ी देर पहले मुंह हाथ धो के बैठे हुए थे, सोचा चलो कल क्या हुआ, कल यार मतलब पता नहीं क्या हुआ था यार, गाड़ी इतना लेट हो गया ना, मतलब आगे एक लोको फेल हो गया, फिर दूसरा लोको हो गया, वो खाली हुआ, उसके बाद हमारा गाड़ी स्टार्ट हुआ तो एक बगल में पैसेंजर था, उसके लोग उस पे चढ़ गए, और उसमें क्या हुआ कि हाल्ट पे पुलिंग, चैन पुलिंग पे चैन पुलिंग हुआ जा रहा है, जो जिस लोगों, जिस गाड़ी से हमारे गाड़ी में लोग चढ़े थे वो हाल्ट पे रुकता था, और हमारा गाड़ी हाल्ट पे नहीं रुकता था, लोग खींचे जा रहे हैं चैन, खींचे जा रहे हैं, 4-5 जगह पुलिंग हुआ। मतलब वही मैं बोला ना कि प्रॉब्लम्स 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 आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट प्रॉब्लम्स लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड।
वही बात है। हाँ अभी जस्ट जगे हैं, 11 बज रहा है, खाना वाना आराम से खाएंगे और फिर मॉल में जाना है, मुझे कुछ कपड़े वपड़े लेने हैं तो वो भी चलेंगे। और यहाँ पे आज पूर्णा का कोई नहीं दिख रहा है तो अकेले जाना पड़ेगा, और ऐसे बोलेंगे हमारे लोको पायलट साहब से, तो इसे वैसे छीटा हुआ है मैंने। और आज यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है, तो ऐसे रात में तो ज़रूरत भी नहीं था इसलिए हम लोग कुछ नहीं किए। तो अभी बस निकलेंगे मार्केट के लिए खाना वाना खा के, तो आराम से। ये कौन सा योगा चल रहा है मोबाइल से? कौन सा योगा चल रहा है मोबाइल से? हमको लगा योगा रूम, ये सब योगा रूम में बैठे हैं मोबाइल लेके। आइए मसाज लेंगे। तो ठूस ठूस के खाने के बाद एसी 20 पे करके सोने जा रहे हैं, क्योंकि हमको जाना है ड्यूटी 11 बजे रात। तो हाँ शाम में जाएंगे मार्केट और एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाते हैं जो कि विशाखापट्टनम से म्यूचुअल ट्रांसफर आए हुए हैं, तो अभी बस मैं सोऊंगा। ठीक है, तो देखो फाइनली जग चुके हैं, सो के नींद पूरा हो गया है और मैंने लोअर पहना क्योंकि जाना है मुझे शॉपिंग करने। हाँ शादी का शॉपिंग है तो जाना है अभी शॉपिंग करने, तो मैंने लोअर पहने क्योंकि थोड़ा ऐसे हाफ पैंट पे जाऊंगा, गरीब वरीब समझ के वो लोग भगा देगा। तो आजकल के लड़कों को भी और लोगों को मैं देखता हूँ, सीख एक है कि लोग अमीर दिखने पे ज़्यादा फोकस करते हैं अमीर बनने से, तो अमीर बनने पे ज़्यादा फोकस करो दिखने पे नहीं। आज का एक सीख है। हाँ हमारे राजवंत भाई भी आए हुए हैं, तो हम और राजवंत भाई दोनों लोग जाएंगे अभी मॉल में। तो भाई साहब अभी सो रहे थे और मुझे 11 बजे इधर से जाना है ना फिर से पुणे लेके, मतलब जो उधर से पता नहीं इधर किधर से आता है पुणे तक जाता है वो गाड़ी, तो वो लेके मुझे जाना है 11 बजे। तो मैंने सोचा चलो शॉपिंग भी कर लेते हैं, निजामाबाद आ ही गए हैं तो हाँ अभी निकलेंगे। 5:30 बज रहा है, मस्त नींद वींद पूरा हो गया एकदम जबरदस्त। तो ठीक है मिलाते हैं राजवंत भाई से जो कि आए हुए हैं विशाखापट्टनम साइड से, तो पूछेंगे उधर का वर्किंग कैसा है। ठीक है, अरे ले हमारे भाई साहब तो गायब है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं उनको। ये हमारे राजवंत भाई, हम आपको बेड पे देखें तो हमको लगा आप गायब है, पता नहीं नहीं मैं कहाँ चले। यहाँ से गया बाहर गया, मैं तो गायब हो गया। अरे मेरा ऊपर में बेड है ना, मैं लोअर पहनने चला गया था, हम अमीर आदमी है ना आज के लिए। तो देखो निकल चुके हैं निजामाबाद अभी पिछवाड़े रनिंग रूम के, हमारे राजवंत भाई जो कि आए हुए हैं कहाँ से, हो विशाखापट्टनम से। थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कैसा वर्किंग है। थोड़ा जोर से बोलिए। 15 घंटे हो गया, कभी कभी 20 आवर्स, 23 आवर्स तक है। हाँ मैक्सिमम कितना घंटा ड्यूटी की है? 23 आवर्स भाई साहब, ऑलमोस्ट पूरा एक दिन 24 घंटे के आसपास ड्यूटी, मतलब 23 घंटे हो ही गया। साइडिंग जो होती है ना उनको 100 ड्यूटी, वो 25-25 घंटे हो जाती है। हाँ साइडिंग वाला तो होता है सिकंदराबाद में है, लेकिन पैसा भी बहुत है वहाँ पे ना। नहीं पैसा तो नहीं, पैसा तो 120 मिलेगा। अच्छा 120 बस? बस उतने तुम्हें इतना तड़पा देगा। हाँ लगेगा साला जॉब बिल्कुल बेटा इधर, लेकिन बहुत बढ़िया है इधर तो आप इधर लोगों को तो लगता ही नहीं कि काम है। हवा, 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 हाँ तो इधर का वर्किंग भाई इतना बढ़िया है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इधर जो लोग इधर वाले हैं इधर ही डालना, जो लोग उधर वाले हैं वो भी इधर ही डालना, और मेरा बात सुन के सिकंदराबाद का मेरिट 100 पहुंचा दो। सब लोग इधर ही डालो, 100 मेरिट जाए तो वो भी बात है। हाँ तो अभी जा रहे हैं हम लोग मॉल में, लेना है मुझे कुर्ता पजामा 4 सेट सभी लोगों के लिए, देखते हैं पसंद वसंद आता है क्या होता है। हाँ शादी है, मेरा नहीं सिस्टर का शादी है। पिछले ब्लॉग में सब लोग कमेंट कर रहा था कॉन्ग्रेचुलेशन, तो भाई मेरा नहीं है सिस्टर का शादी है। एक ऐसे में बोला घर जाना है उसके लिए शॉपिंग करना, अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपका शादी है ये वह नहीं है भाई, शादी नहीं है मेरा। तो चलो जल्दी से मॉल में मिलते हैं। I'm going in my heart, there's a hole, yeah. And in my heart.
demon, I can't take control. I took too long, put myself in a room, just my sins and myself. Yeah, it's getting hard, and I think I'm doomed. Is everyone left? So, इधर कुर्ता कहाँ दिख रहा है यार? तो भाई साहब गए थे शॉपिंग करने किसी और चीज का, और शॉपिंग करके कुछ और आ गए हैं। तो ये एक है हमारा शर्ट जो कि पसंद आ गया, तो इसको भी ले लिए, और एक ये येलो। तो दिक्कत यह है कि पांचों भाई हैं, जो पांच भाई हैं सब लोग एक कलर का पहनेंगे, तो जो कपड़ा पसंद आ रहा था उसका पांच कपड़ा नहीं था, और जो कलर पसंद नहीं आ रहा था उसका पांच था, तो फाइनली नहीं ले पाए। और अब हमारे घर पे काम चल रहा है, दुकान पे वो लोग जाके फोटो खींच रहा है, ये तो हाँ, तब तक हमारा टाइम भी हो गया जाने का, अभी 9 बज रहा है, जाएंगे मस्त फ्रेश फ्रेश होके खाना खाएंगे, और गाड़ी आएगा हमारा 11:40, मतलब जो उधर से आता है 14:14 उसका हम लोग को रिवर्स करके हम लोग चले जाते हैं गाड़ी लेके, तो उसका 11:40 में इसका डिपार्चर है। और देखो कब तक आ पाता है, नहीं पता है कब तक आएगा। अभी मुठखेड़ में है, मैं देखा वो सिस्टम पे तो पता चला नहीं मुठखेड़ में है, तो जब भी आएगा इधर से बस रेडी होंगे और भागेंगे। अभी यहाँ राजवंत भाई इंतजार कर रहे हैं खाना खाने। चांद पे ग्रहण लगा हुआ पापड़। चलो फाइनली हो चुका है हमारे अब जाने का टाइम। हाँ, नाम के लिए पैसेंजर गाड़ी जा रहे हैं, एक्सप्रेस मजेदार एकदम जाता है, तो 11:10 का साइन हो रहता है, रेडी होके जा रहे हैं। हाँ, गाड़ी टाइम से भी आ रहा है, तो बस निकल रहे हैं। पानी इसको बोलते हैं चाइल्ड वाटर, तो चाइल्ड वाटर भर चुके हैं, बस अब चलो निकलना है, और 3:30 बजे तक पूर्णा में रहेंगे, मिलेंगे आराम से, ठीक है। तो देखो टेम हो रही है भाई सुबह के 3, और मुझे आ रही है बहुत जोर से नींद, समझ रहे हो, राइमिंग हो गया। तो हाँ अब मैं चला सोने, और यहाँ से इधर हमारा है लॉबी, और ये है रेलवे ग्राउंड, और इधर हमारा है रूम। तो उस दिन जो भाई आए थे तो ऐसे ही दिखा दिखा के पहुँच गए थे, तो चलो ठीक है अब मैं चला सोने, मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। सब्बा खैर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो बस।